ये पूरा का पूरा जंगल तोड़ दिया अभी। बहुत बुरा कर रहा हूँ मैं, बट क्या कर सकते हैं यार। बस इसके बाद नहीं तोड़ेंगे अपन पेड़, अभी तोड़ने के लिए बचा ही क्या है भाई। तो भाई यार क्या हाल है सभी के, आई होप कि सभी लोग बढ़िया होंगे और सभी का एक और नए वाले इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत है मेरे भाइयों। तो भाई पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने जो है इस एंकिलोसोरस को सेडल बनाया था और साथ में भाई इन सारे वेपन्स को बनाया था हम लोगों ने। ये जो सारे वेपन्स देख रहे हो ना यार, ये सारे के सारे वेपन्स हमने बनाए थे और ये स्मिथी टेबल के मदद से ये सारे वेपन्स हम लोगों ने बनाए थे। और भाई पिछली बार मैंने जैसा कहा था भाई, अगली वाली वीडियो में हम लोग जो है एक घर को बनाने वाले ताकि हमें जो है बहुत ज़्यादा स्पेस मिल सके। तो भाई आज की इस वाली वीडियो में हम लोग जो है उसी घर को बनाने वाले। तो मेरा प्लान भाई सेम सिंपल सा है, एक घर बनाना है, उसके अंदर भाई इतनी जगह रखनी है कि अपना स्टोरेज बॉक्सेस है सारे के सारे आ जाए और उन सारे स्टोरेज बॉक्सेस में हम लोग जो है सारा का सारा सामान स्टोर करेंगे। वो सारी चीज़ें आपको वीडियो में पता चलेगी यार क्या क्या होने वाली है। सो लेट्स बिगिन गाइस, लेट्स गो। भाई सबसे पहले आपने को ना एक प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ेगा, सॉरी प्लेटफॉर्म बोल रहा हूँ यार, जगह ढूंढनी पड़ेगी अपने को। मैंने पहले ही जगह ढूंढ ली थी, ये वाली जगह अपने लिए बहुत बढ़िया होगी। ये वाला सब कुछ हम हटा देंगे, सारा ट्रीज और ये पत्थर वत्थर हटा देंगे और उसमें हम लोग जो है बड़ा सा प्लेटफॉर्म बिछा देंगे और उसके बाद हम लोग जो है उसके ऊपर अपना घर का बेस बना देंगे, ठीक है। सो उसके लिए बहुत सारे लकड़ियाँ पत्थर वगैरह लगने ही वाले हैं वैसे भी, और मेरे पास बहुत पहले से थी। सबसे पहले भाई मैं यहाँ से अपना खाना उठा लेता हूँ। अभी चलते हैं भाई, सारे के सारे जो पेड़ पौधे हैं उन सबको हटा देते हैं अपने स्टिकों की मदद से और उसके बाद भाई हम एंकिलोसोरस की मदद से ये सारे पत्थर जो है वो हटाएंगे, ठीक है। ओके गाइस, अभी ये लास्ट वाला पेड़ है इसको मैं हटा देता हूँ और उसके बाद अपन पत्थर को हटाते हैं। भाई ये जो बीच में हमने लोगों ने जो ये बनाया था ना, इसको भी हम हटाने वाले। सबसे पहले भाई इसकी स्टीगो की लेवल अप हो चुकी है, इसका स्टैमिना मैं बढ़ा लेता हूँ यार, इसका स्टैमिना बहुत जल्दी ख़त्म होता है। ओके गाइस, कल रात में सारा का सारा ये सब कुछ पूरा करके सो गया था और फिर से पेड़ आ गए भाई इन साले इसकी तेजी, ठीक है भाई। अभी बहुत बढ़िया सा बेस बनाएंगे अपन, तो लेट्स गो। फिलहाल मैं जो जो सामान अपने को लगने वाला है बेस बनाने के लिए वो सब कुछ मैंने ले लिया है और ये सारे वुड्स भी मुझे डालने हैं और मैंने ये सारा सामान जो है अपना स्टिकों के अंदर डाल दिया है ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। बस मुझे थोड़े थोड़े से लेके जाने पड़ेंगे, बट कोई बात नहीं, स्टिको ये सारा का सारा उठा देगा भाई। ओके गाइस, सारा का सारा सामान मैंने स्टिको के अंदर डाल दिया है। कितना धीरे धीरे आ रहा है स्टिको भाई, लिटरली इतना धीरे धीरे कैसे चलेगा भाई। ओके गाइस, जितना मुझे सामान लगने वाला ना मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा बना ही लेता हूँ यार सीधा सीधा। सबसे पहले भाई बेस बनाने के लिए अपने को लकड़ियाँ लगने वाली है, थैच लगने वाला है और फाइबर लगने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है अभी स्टिको से उठाने वाले। ये हो गया, ये हो गई लकड़ियाँ और ये हो गया थैच। अभी करते हैं हम इसको क्राफ्ट, 1 2 3 4। ओके भाई, 4 ही अपन बेस बना सकते हैं, 5 6। ओके 6 बना सकते हैं, ठीक है, 6 नहीं 5 ही बना सकते हैं। अभी और फिर से बनाते हैं, ऐसे ऐसे करके भाई मैं सारे के सारे मटेरियल से अपना सारा सामान बना लेता हूँ। सबसे ज़्यादा भाई हमें लकड़ियाँ लगने वाली है। ओके भाई, अभी फाइबर चाहिए अपने को। फाइबर का तो भाई कुछ सीन ही नहीं है भाई, भर भर के फाइबर मिलेगा अपने को। फाइबर तो अपने को सबसे कम लगने वाला है और सबसे ज़्यादा भाई अपने को वुड लगने वाला है। ओके, फिलहाल भाई मैंने 20 बेस बना दिए हैं और अभी हम एक काम करेंगे, इन सारे बेस को यहाँ पे प्लेस करने वाले। सो लेट्स गो, और 4x4 का मैं बेस बनाने वाला हूँ। अभी मैंने प्लान किया बहुत बढ़िया सा, 1 2 3 4, ये हो गए 8। सेम ऐसे ही इस साइड दो दो लगाने अपने को। अभी यार इस साइड नहीं लगा सकते अपन, क्या हम इस साइड लगा सकते हैं? ओके, इस साइड तो लगा सकते हैं अपन लोग। ओके गाइस, मैंने दो साइड में एक एक लेयर बढ़ा दी है मेरे, और एक बनाना बाकी है। अभी क्या हो गया, मेरे बनाना तो था अभी। अबे यार क्या हो गया भाई, वुड बार बार ख़त्म हो जाता है मेरा। ओके गाइस, फिलहाल मैंने लेके आ चुका हूँ, अभी बनाते हैं और यहाँ से एक सिंपल सा क्राफ्ट, ये रहा इसको यहाँ पे प्लेस। अभी एकदम बढ़िया से यहाँ से बीच में से अपन एक दरवाज़ा बनाएंगे, उसके ऊपर अपन अपग्रेड करते जाएंगे, ठीक है। ओके, सबसे पहले ना मैं एक काम करता हूँ, अभी डोर फ्रेम बना लेता हूँ ताकि मैं कोई दिक्कत ना हो। ये रहा डोर फ्रेम। ओके भाई, इसको यहाँ पे करता हूँ मैं प्लेस। अभी साइड से सारी की सारी वॉल लगाता हूँ। एक मिनट, यहाँ पे अपन एक वॉल लगाएंगे, उसके बाजू में एक खिड़की लगाएंगे या फिर यहाँ पे खिड़की लगा लेंगे, दोनों साइड यहाँ पे खिड़की लगाएंगे। अभी सारी की सारी अपने को वॉल्स लगानी है, तो वॉल्स के लिए बहुत सारा सामान लगने वाला है अपने को। मैं सारा का सारा सामान लेके आता हूँ। तो भाई वो पूरे के पूरे 2 घंटों के बाद हमने इस पूरे जंगल को उजाड़ के रख दिया है, क्योंकि यार हम लोगों ने इतना सारा माल मसाला भर के रखा है अपने स्टोरेज बॉक्स में, इतना सारा अब अपने को लगने वाला है, इससे भी ज़्यादा लगने वाला है। फिलहाल भाई इस सब को
लगा लेते हैं अपने घर में और उसके बाद जो है भाई आगे का काम कंटिन्यू करेंगे। तो भाई सबसे पहले इन सभी स्ट्रक्चर्स को हम लेके जाते हैं एक एक करके, इसमें से आधी विंडो में लेके जाऊंगा। ओके गाइस, फाइनली अभी अपन अपने स्ट्रक्चर्स को लगा देते हैं यहाँ पे अपनी सामने। यहाँ पे एक आएगी विंडो, यहाँ पे एक विंडो आएगी, यहाँ पे एक विंडो आएगी, देन यहाँ पे एक विंडो, एंड देन यहाँ पे एक विंडो, और यहाँ पे एक विंडो बची गई भाई, एक विंडो तो यहाँ पे रह गई। इसके बाद अपन लगाते हैं इसमें वॉल, एक वॉल, दो वॉल, यहाँ पे लगेगी ये वॉल, ये गई फोर्थ, फिफ्थ। पीछे की साइड कुछ नहीं होगा, पीछे की साइड पूरा पैक होगा अपना घर एकदम बढ़िया से। यहाँ पे एक मिनट भाई, रिकॉर्डिंग तो चले ना। हाँ भाई पता चले भाई, इतना सारा कर दिया और मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं किया। ओके ठीक है, अभी गाइस अपना पूरा का पूरा बेस का स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ है। अभी इसके ऊपर अपने को और थोड़ी सी वॉल लगानी पड़ेंगी, ये ट्रांसफर। ओके अभी इन 13 वॉल्स को यहाँ पे लगा देते हैं अपन। ये वॉल्स लगेंगी यहाँ पे एक, मुझे और थोड़ी सी वॉल्स लगेंगी भाई यहाँ पे। ओके भाई बहुत सारी वॉल्स अभी भी लगने वाली है अपने को, 1 2 3 4 5 6 7 ओके 7 वॉल्स लगेंगी और उसके ऊपर अपन सीलिंग लगाएंगे। इसका मतलब यही है कि गाइस हम लोग जो है पूरा का पूरा जंगल को उजाड़ के रखने वाले। अभी ये जो देख रहे हो ना नज़ारा, ये सारा का सारा गायब होने वाला है। अभी का नज़ारा देख लो, उसके बाद का नज़ारा देख लो भाई जंगल तोड़ने के बाद। ठीक है शुरू करते हैं भाई अपना जंगल तोड़, लेट्स गो। ओके गाइस, फिर से अपन ने थोड़ी सी आधा घंटा मेहनत किया और ये पूरा का पूरा जंगल तोड़ दिया। अभी बहुत बुरा कर रहा हूँ मैं, बट क्या कर सकते हैं यार, बट ये पेड़ फिर से उग जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं यार। बात तो सही है। ओके भाई ये लास्ट वाला पेड़ रहेगा, बस इसके बाद नहीं तोड़ेंगे अपन पेड़, अभी तोड़ने के लिए बचा ही क्या है भाई। चलो भाई लोग कैसे हिल रहे, देखो कैसे हिल रहे, देखो इनको चलना भी मुश्किल हो चुका है भाई, इतने सारे वुड लेके आया हूँ भाई मैं। बस एक घर बनने के लिए ये लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, मेरे से ज़्यादा मेहनत ये लोग कर रहे हैं भाई। चलो चलो भाई लोग आ जाओ, चलो आ सकते हो तुम लोग, यू कैन डू इट गाइस, यू कैन डू इट, लेट्स गो कम ऑन भाई, सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। ओके गाइस फाइनली मैंने इन डायनोस को यहाँ पे लेके आ चुका हूँ, अभी बनाते भाई वॉल्स और सारी की सारी यहाँ पे रखते हैं, लेट्स गो। गाइस अपने को ऊपर की साइड जो है 15 वॉल्स लगने वाली है और उसके साथ सीलिंग भी लगने वाली है, तो मैं पहले 7 और बाकी की 15 ऐसे करके मैं सारी की सारी बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 चलो ठीक है। ओके गाइस अभी इन वॉल्स को जो है मैं प्लेस कर देता हूँ और उसके बाद अपन सीलिंग लगाएंगे, सीलिंग तो इतनी ही लगने वाली है मेरे हिसाब से। अभी चलते हैं घर के अंदर और अभी डाल देते हैं सारी की सारी वॉल्स। इतना धीरे क्यों चल रहा भाई मैं, इतना वजन हो चुका है मेरे इन्वेंटरी में, अभी क्या ही बताऊँ। ओके गाइस अभी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अपना रेडी है। मैं सोच रहा हूँ गाइस यहाँ पे वेट मुझे यहाँ पे लेडर्स लगानी थी और उसके लिए ना एक मिनट क्या क्या लगेगा मुझे देखने दो, और लेडर्स मैंने बना के नहीं रखी है। ओके 200 वुड्स लग भाई, लिटरली 200 वुड्स। ओके बना देता हूँ भाई मैं लेडर्स, सीढ़िया एकदम भाई एक साइड में लगाने वाला हूँ मैं, हाँ इस साइड से। ओके ऐसे अपन ऊपर जाएंगे, अभी मैं सीलिंग लगा देता हूँ सारी जगहों पर। ओके ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये पे यहाँ पे ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक, एक दो तीन, अबे ख़त्म हो गया क्या, और थोड़ी सीलिंग बनानी पड़ेगी। वैसे मैं बना के रखी है मैंने, ये रहा यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक। ओके गाइस अभी इसके साइड में वॉल लगा देते हैं, बोल रहा हूँ दो ही साइड में विंडो होने वाली है ऊपर की साइड, बाकी कहीं भी विंडो नहीं होने वाली। अरे 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 गलती से लग गई, अबे इसको तोड़ू, अबे तोड़ना पड़ेगा भाई इसको, छी चलो कोई नहीं। इसके साइड में यहाँ पे मैं सीलिंग लगाने वाला हूँ यहाँ पे, और ऐसे साइड में सीलिंग लगाऊंगा। 2 hours later ओके गाइस अपने को इस टाइप का स्ट्रक्चर अपने को बनाना है अपने घर में लाइक दिस। बस मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऊपर क्या लगाना है भाई, मैं इतना बोला ऐसे लगाना है वैसे लगाना है, और भाई मैंने रिकॉर्डिंग बंद करके रखी थी। वाह चलो यार कोई बात नहीं, अभी भाई देखो यार ये सब कुछ है ना, यहाँ पे एक वॉल आएगी साइड में और यहाँ पे एक वॉल आएगी और यहाँ पे एक विंडो आएगी, और उसके ऊपर जो बीच में ये जगह रहती है ना, वही चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही क्या लगाना है वहाँ पे। एक तो वॉल तो लगा नहीं सकते अपन, नहीं तो वो सीधा हो जाएगा ना, अपने को ऐसा टेढ़ा चाहिए थोड़ा सा, दैट्स वाई अपने को कुछ और लगाना पड़ेगा। मैं देखता हूँ यार क्या लगा सकते हैं अपन, बट फिलहाल भाई मैं चलता हूँ सोने के लिए, मैं यहाँ पे अटक गया। ओके कोई बात नहीं। ओके गाइस फिलहाल सुबह हो चुकी है और मैं सो के उठ चुका हूँ बहुत बढ़िया तरीके से, और अभी ये जो विंडो है ना
इस विंडो पे अपने को एक चीज़ लगानी थी जो कि है यहाँ पे, ये लगाना है ताकि हम इस विंडो को जो है ऐसा खोल सके। देख रहे हो, एक नंबर बाय, नेक्स्ट लेवल। ऐसे अपने को सब कुछ करना है। यहाँ पे बस वॉल नहीं आएगी, सीधा छत ही आने वाली यहाँ से। ओके गाइस, फिलहाल मैंने यहाँ पे एक दरवाजे का फ्रेम लगा दिया है। अभी अपने को एक वॉल चाहिए, एक विंडो फ्रेम चाहिए। ठीक है, एक विंडो फ्रेम बना देता हूँ। और मैं ऊपर की साइड क्या लगाऊँ भाई, क्या लगाऊँ, एक काम करता हूँ, एक वॉल ही लगा देता हूँ यार वहाँ पे। ये वॉल लगी यहाँ पे, ये वॉल लगी यहाँ पे, इसके ऊपर वॉल नहीं लगानी। मैं ऐसे वॉल लगा दिया। हाँ चलो कोई बात नहीं, ऐसा तो ठीक है, अपने पंची इंची उतरने के लिए वो जगह हो जाएगी। एक डोर जो है मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अरे उल्टा लगा देगा मैंने, नहीं नहीं सही है सही है। इसके ऊपर ये, इसके ऊपर आएगी अपनी छत। इसके ऊपर अभी कैसे लगाऊं भाई, लगता है मुझे पैटर्न को लेके आना पड़ेगा। ओके, ये वाली यहाँ पे, ये वाली यहाँ पे, कैसे कैसे लगा रहा हूँ भाई, मैं कहाँ से देख रहा हूँ भाई, लिटरली देखो। ये अपना पैटर्न आएगा ना तो यहाँ पे खड़ा रहेगा भाई, पर इसके लिए मैं थोड़ी सी जगह छोड़ूंगा जहाँ से अपन ऊपर जा सके। अभी अपन बनाते हैं रूफ। रूफ पता नहीं कितने अपने को लगने वाली है, जितने भी लगने वाली है मैं सब कुछ बना रहा हूँ यहाँ पे, देखते हैं। अगर नहीं तो अपने को वुड तो लेके आने ही है भाई। चलो चलो, एक साइड में रूफ बना देता हूँ। ये रही यहाँ पे, मैंने कहाँ पर बना दी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर हमें ऊपर जाना तो यहाँ पे मैं एक सीढ़ी लगा दूंगा यार, क्या दिक्कत है। और यहाँ से अपन ऊपर चले जाएंगे। ये भाई क्या बात है भाई। और ये जो अपना सीलिंग था मैं इसको भी लेके जाने वाला हूँ, और वो सीलिंग जो है यहाँ पे लगेंगी, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। और मुझे बेस लगाना पड़ेगा भाई यहाँ पे। एक काम करता हूँ, यही वाला लगा देता हूँ, वैसे अच्छा दिख रहा है यार। क्या भाई, लिटरली भाई घर प्यारा दिख रहा है, एकदम प्यारा। 2 hours later। ओके, तो गाइस अपना फाइनली अपना घर जो है वो रेडी हो चुका है। लिटरली क्या दिख रहा है भाई अपना, कसम एकदम चुम्मी दिख रहा है। वैसे साइड से देखोगे तो इतना बढ़िया नहीं लगेगा, पर वैसे बढ़िया है यार साइड से भी। नेक्स्ट लेवल हमने घर बनाया भाई। गाइस फिलहाल लास्ट वाला एक छोटा सा काम बचा है जो कि अभी मैं पूरा करने वाला हूँ। ओके गाइस, अपना जो लास्ट वाला काम बचा था वो यही है। हमने यहाँ पे एक लेडर लगा दी है अभी, और अभी अपन अपने पैटर्न के साथ जा सकते हैं कहीं भी कभी भी और कैसे भी, समझ रहे हो ना। अभी अपने अपन पैटर्न के ऊपर सवार होते हैं और एकदम ऊपर से जो है नज़ारा देखते हैं यार अपने घर का। लिटरली भाई क्या दिख रहा है यार, कसम से। बस भाई इतना ही चाहिए, और क्या चाहिए भाई। और गाइज अभी मैं एक और चीज़ करने वाली हूँ, बहुत बढ़िया लगने वाली, बस आप लोग देखते रहो। ओके गाइज, फाइनली भाई अपना घर देखो यार, एकदम बढ़िया लग रहा है। अपने फैमिली के साथ, पूरी पूरी डायनो फैमिली, अपनी डायनासोर की फैमिली है भाई पूरी की पूरी। क्या लग रहा है भाई सारे के सारे, अरे से चीज़ फोटो खींचनी है भाई। ओके तो गाइज इस वाले वीडियो में बस इतना ही। आई होप गाइज आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर गाइज आपको ये वाला वीडियो, ये वाला घर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताओ यार वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं किसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय गाइज।